नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं फिर आया हूँ आज नदी तंत्र की बात करते हुए, उसी क्रम में आज उत्तराखंड की काली नदी तंत्र पर चर्चा करने के लिए। तो मेरे साथ आ जाइए, शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं खराब करते। चलिए देखिए, लिखा है काली या शारदा नदी तंत्र। आप जानते हैं, काली कहूँ या मैं शारदा नदी तंत्र कहूँ या मैं महाकाली नदी तंत्र कहूँ तो एक ही बात है। हालांकि महाकाली नहीं कहूंगा मैं, महाकाली का संदर्भ जो है हमारे उत्तराखंड में कम और नेपाल के संदर्भ में ज्यादा बैठता है, इसलिए महाकाली में ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक हो गई बात। चलिए उसके बाद देखिए, अब आप यहाँ पर एक मैप दे रखा है। देखिए, जरूरी है हम काली नदी तंत्र को डिस्कस करें तो उससे पहले वर्तमान में जो इश्यू चल रहे हैं उन पर भी चर्चा करें। तो आप जानते ही हैं कि भारत का नेपाल चीन पाकिस्तान के साथ वर्तमान में डिस्प्यूट चल रहा है। तो चूंकि उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है, तो मुझे नेपाल और भारत के बीच में वर्तमान में जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। और वर्तमान की चर्चा करने से पहले मुझे उस डिस्प्यूट का बेस यानी आधार पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको इस मैप में कुछ दिखा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आप देखिए, यहाँ पर तीन चीज आपको दिख रही होगी। ये आपका उत्तराखंड के संदर्भ में ये आपका पिथौरागढ़ का इलाका है। ये आपका जो है पिथौरागढ़ का इलाका है, ये वाला। तो पिथौरागढ़ के इलाकों में मैंने तीन जगह आपको दिख रही होंगी। एक आपको लिपू लेक दिख रहा होगा, एक काला पानी घाटी दिख रही होगी, और एक यहाँ पर आपको लिम्पिया धुरा दिख रहा होगा। ऊपर लिम्पिया धुरा भी आपको दिख रहा होगा। तो ये तीन क्षेत्र को दिखाने के लिए ही मैंने ये मैप लगाया है। जरूरी हो जाता है, लिपू लेक वैली ये हो गई, और ये आपका लिपू लेक दर्रा है, ये काला पानी क्षेत्र है, और ये आपका लिम्पिया धुरा है। इस पर चर्चा करूं तो मैं आपको पहले बताता हूं कि चर्चा का आधार क्या है। देखिए, अगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि 1790 के आसपास गोरखों ने नेपाली को, मैं यहां पे गोरखे बोलूंगा अभी क्योंकि गोरखा नेपाली एक ही बात है, 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। 1790 में कुमाऊं पर, ठीक बात है। और 1804 में उन्होंने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। तो संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर 1804 में उनका अधिकार हो गया था। अगर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लगातार गोरखों के साथ में ब्रिटिश सरकार का डिस्प्यूट चल रहा था। हम जानते हैं ये बात, डिस्प्यूट चल रहा था। और उसी डिस्प्यूट की परिणति होती है कि एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है ओंगल नेपाल युद्ध। ओंगल नेपाल युद्ध की अगर जो मैं बात करूं, ये होता है 1814 से 1816। उत्तराखंड के संदर्भ में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये जो ओंगल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816, इसकी समाप्ति हुई थी संगोली की संधि के द्वारा, और नेपाली सेना इसमें पराजित हो गई थी। संगोली की संधि, संगोली की संधि अगर बात करें कब की है, तो ये 2 दिसंबर 1815 की संगोली की संधि है, 2 दिसंबर 1815 की, जिसमें गोरखा सेना पराजित हो गई थी। इस संधि को अप्रूवल दिया गया था 4 मार्च 1816 को, इसे नेपाल की सरकार ने अप्रूवल दिया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बताता चलूं मैं, फिर आपको बात करूंगा। नेपाल की सेना ने जो अप्रूवल दिया था, तो नेपाल की तरफ से संधि पर साइन करता कौन थे? नेपाल की तरफ से साइन करता थे गजराज मिश्र। गजराज मिश्र ने साइन किए थे, और उनके सहयोगी जो थे वो थे चंद्रशेखर उपाध्याय। ये दोनों ने इस संधि पर साइन किए थे नेपाल की तरफ से, जो संधि संगोली की संधि है, जिसका अनुमोदन हो रहा है 4 मार्च 1816 को। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश की तरफ से किसने साइन किए थे? ब्रिटिश की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनका नाम था पेरिस ब्रेडशाह। ठीक बात है, ब्रेडशाह थे पेरिस, जिन्होंने ब्रिटेन की तरफ से साइन किए थे। तो हम इतना तो जानते हैं, इस संधि में क्या हुआ था मुझे अब वो समझाना है, तभी मैं आपको डिस्प्यूट को बता पाऊंगा। देखिए, इस संधि के द्वारा उत्तराखंड से गोरखों का शासन समाप्त हो गया था, हम जानते हैं, और गोरखों ने बहुत से क्षेत्र भारत सरकार को दे दिए थे। इस संधि में तय क्या हुआ था वो अब देखते हैं। इस संधि में तय ये हुआ था कि जो काली नदी है, काली नदी को नेपाल और भारत के बीच की सीमा मान लिया गया था। तो ये सीमा मान लिया गया था। बहुत से क्षेत्र जो है नेपाल ने वापस कर दिए थे भारत सरकार को, और भारत सरकार ने भी बहुत से क्षेत्र दिए थे ब्रिटिश सरकार ने। मिथिला आदि के क्षेत्र भी नेपाल सरकार को दे दिए थे हमने।
गोरखों को। तो आप देख सकते हैं भारत और नेपाल के बीच में काली नदी को एक सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तब आप कहेंगे कि ये काली नदी को जब भारत नेपाल के बीच में सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था तो भारत और नेपाल के बीच में विवाद क्या है। देखिए, ये कहा गया था काली नदी के पूर्व के इलाके जो है नेपाल के होंगे और काली नदी के पश्चिम के इलाके जो है वो भारत के होंगे, तो काली नदी एक बाउंड्री बन गई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। देखिए, भारत जो है क्या कहता है, भारत पहले उसे देखते हैं। भारत कहता है कि काली नदी कहाँ से निकलती है। अब आप इसे देखिए, पहले मैं पिछले मैप पे आता हूँ फिर मैं वापिस आऊंगा। देखिए, अब भारत सरकार का ये कहना है कि काली नदी जो है काला पानी से निकलती है, हम ये मानते हैं, और ये ऐसे जाती है काली नदी। काली नदी के पूर्व की बात हुई थी तो ये वाला क्षेत्र नेपाल का है, भारत सरकार कहती है ये है क्षेत्र हमने आपको दे रखा है, और इसके पश्चिम का इलाका ये सारा का सारा किसका है, ये सारा का सारा आपका इंडिया का है। ठीक है, भारत सरकार ये कहती है, भारत सरकार मानती यही है कि जो आपकी काली नदी है वो काला पानी से निकलती है, लेकिन नेपाल इस चीज को नहीं मानता है। नेपाल क्या कहता है, नेपाल कहता है जो काला पानी नदी है वो काली नदी है ये यहाँ से नहीं बल्कि ऊपर से आती है, ऊपर से। तो कहता है ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र भी नेपाल का है और इसी क्षेत्र में डिस्प्यूट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसी क्षेत्र में ये ऊपर से काली नदी को मानता है, हम काली नदी को काला पानी से मानते हैं जबकि नेपाल काली नदी को ऊपर से मानता है, और वो कहता है उसके पूर्व में जो उत्तराखंड का हिस्सा है वो किसका है, वो नेपाल का है, इसी को लेकर के डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक हो गई बात, अब आप समझ गए। अब वर्तमान में क्या हुआ उसे देखते हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने क्या करा, भारत सरकार ने लिपुलेख से लेकर के और धारचूला तक, यहाँ पे है धारचूला, धारचूला तक हमने एक सड़क बनाई। अब इस सड़क को लेकर के नेपाल ने डिस्प्यूट किया, नेपाल ने कहा कि ये सड़क जो है नेपाल के इलाके में है, मेरी सोवर्निटी प्रभावित हो रही है यानी संप्रभुता प्रभावित हो रही है, आप मेरे इलाके में सड़क क्यों बना रहे हैं। इसी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट हुआ, और हाल ही में नेपाल की संसद ने एक बिल पास करा अपनी संसद में, और उसने ये वाला इलाका लंपिया धुरा काला पानी ये सारा का सारा नेपाल का दिखाया है, और नेपाल ने ये तर्क दिया है कि भारत की यहाँ पर चौकी नहीं थी 1961 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, उससे पहले भारत सरकार ने 1961 में लिपुलेख में ITBP को तैनात किया और अपनी चौकी बनाई है। तो आप समझ गए होंगे नेपाल ये तर्क देता है जबकि भारत सरकार ये तर्क देती है कि जो काली नदी है उसका ओरिजिन ये है, उसके इधर वाला इलाका आपका है काली नदी, इसके ऊपर जो पानी है वो काली नदी का पानी नहीं है अपितु कहीं गधेरों से पानी आ रहा है, तो उसे काली नदी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये वाला इलाका भारत सरकार का है, भारत का ये कहना है। जबकि नेपाल कहता है ये ऊपर से काली नदी आती है तो ये सारा का सारा इलाका जो है आपको हमें देना पड़ेगा। ठीक हो गई बात, मैंने आपको बता दिया सारा का सारा, उसके बाद इसमें जो भी विवाद है मैंने आपको समझा दिए। चलिए अब मैं आता हूँ अपने मेन थीम पे, और हमारी मेन थीम क्या है, हम काली नदी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए काली नदी की शुरुआत करते हैं, और आप देख रहे हैं मैंने वहीं से शुरू करूंगा जहां से काली नदी, देखिए काली नदी कहां से निकल रही है, काला पानी से निकल रही है। पहले मैं आपको दो चार चीज बता दूं, काली नदी जो है उत्तराखंड में काला पानी से लेकर के और ये बनवसा तक, ये बनवसा चंपावत में है, यहां तक जो है 252 किलोमीटर बहती है। इसका मतलब उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वो कौन सी नदी है, वो काली नदी है। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी लंबाई में काली नदी है। उसके बाद नंबर दो पे भागीरथी नदी थी जो 205 किलोमीटर करीब बह रही थी, और उसके बाद अलकनंदा थी 196 किलोमीटर के करीब अलकनंदा बहती है। तो आइए शुरू करते हैं हम काली नदी को, और काली नदी की बात करता हूँ, काला पानी से निकली, यहीं पर व्यास ऋषि का आश्रम है जहां से काला, कहते हैं व्यास ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी तो व्यास ऋषि का आश्रम इसी क्षेत्र में है, काला पानी क्षेत्र में। काला पानी में सबसे पहले, काली नदी में सबसे पहले जो नदी आकर मिलती है वो है कुठी यांगटी। आप देख सकते हैं कुठी यांगटी है, कुठी यांगटी कहाँ से आकर मिली, कुठी यांगटी जास्कर श्रेणी के पश्चिम से निकलती है और आपके गुंजी क्षेत्र पड़ता है पिथौरागढ़ में, गुंजी में आकर के काली नदी में मिल जाती है।
तो नंबर एक नदी की बात करी जिसका नाम है कुठी यांगटी। कुठी यांगटी के दो तीन क्वेश्चन और है। कुठी यांगटी की सहायक नदी है संगचुमना निरकुट थुमका। ये कुठी यांगटी की प्रमुख सहायक नदी है। मैप में यहाँ पर बनाना संभव नहीं था इसलिए मैंने ये ऊपर डिफाइन कर दिया है। किसकी सहायक नदी है? ये कुठी यांगटी की सहायक नदी है संगचुमना निरकुट और थुमका। चलिए नेक्स्ट पे आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो है काली नदी में जो मिलती है नदी उसका नाम है पूर्वी धौली गंगा। ठीक हो गई बात। पूर्वी धौली गंगा की मैं बात कर रहा हूँ। पूर्वी धौली गंगा एक पश्चिमी धौली गंगा भी है। पश्चिमी धौली गंगा आपकी चमोली में मिलती है और ये बात कर रहा हूँ मैं पूर्वी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी थी और ये पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड पीसीएस में इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया, मैं अभी उसको चर्चा करता हूँ। देखिए गेवान खाना एक ग्लेशियर है जहां से दो धाराएं निकलती है। एक धारा का नाम है लिस्सर और एक का नाम है दारमा। लिस्सर में ज्यादा पानी है, लिस्सर बड़ी है, दारमा छोटी है। तो लिस्सर और दारमा नाम की दो धारा गेवान खाना हिमनद से निकलती है और ये आकर के आपको तेजांग एक जगह है जहां पर छोटा कैलाश कहते हैं, छोटा कैलाश है वहां पर आकर के इनका संगम हो जाता है लिस्सर और दारमा का। लिस्सर और दारमा का जब संगम हो जाता है तभी इसे पूर्वी धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आप देख लीजिए गेवान खाना हिमनद, गेवान खाना हिमनद से लिस्सर और दारमा नाम की दो धाराएं निकली हैं, वो तेजांग में जाकर मिली है। तेजांग में ही छोटा कैलाश है, वहीं पर वहीं से इसे पूर्वी धौली गंगा कहते हैं और ये अपनी यात्रा करते करते आ करके आपकी खेला खेला तवा घाट में आ करके किस में मिल जाती है? काली नदी में मिल जाती है। अब मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो उत्तराखंड पीसीएस में आया। उत्तराखंड पीसीएस में आया धौली गंगा परियोजना कौन सी नदी पर कहाँ पर है, जिला पूछा हुआ था। तो कई लोगों ने सोचा धौली गंगा की बात कर रहे हैं तो शायद चमोली की कर रहे होंगे, लेकिन वो धौली गंगा माना गया था पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में धौली गंगा धारचूला जिले में पूर्वी धौली गंगा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है। ठीक हो गई बात। उसका क्या विशेषता है मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। देखिये उत्तराखंड में पूर्वी धौली गंगा भारत की एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसमें कट वॉल तकनीक का प्रयोग किया गया है। कट वॉल तकनीक का प्रयोग अगर किसी में किया गया है तो उस तकनीक को पूर्वी धौली गंगा प्रोजेक्ट में किया गया। कट वॉल तकनीक मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, पीछे वाली स्लाइड में लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है कट वॉल टेक्निक। अब आप कहेंगे क्या होती है कट वॉल टेक्निक। देखिए ये बेस है मान लीजिए जहां पर परियोजना लग रही है, तो उसका जो है ग्राउंड में बहुत गहराई तक खुदाई करके बहुत मजबूत बेस बनाया जाता है और आप समझ लीजिए ये बेस को काट करके दीवार बना करके बेस को कंक्रीट का आरसीसी का बेस बनाया जाता है जिससे कि सीपेज और लीकेज को रोका जा सके। तो इसी टेक्निक को क्या कहते हैं कट वॉल टेक्निक कहते हैं। भारत में एकमात्र प्रोजेक्ट कट वॉल टेक्निक पर जो है उसका नाम है पूर्वी धौली गंगा प्रोजेक्ट जो कि पिथौरागढ़ में है। दूसरा अगर जो मैं इससे संबंधित बात करूं तो वो होता है आपका उत्तराखंड की एकमात्र परियोजना है पूर्वी धौली गंगा। पहली परियोजना कहिए आप, ठीक बात है, पहला प्रोजेक्ट है जिसमें अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है। अंडरग्राउंड क्या बना हुआ है? टनल बना हुआ है, सुरंग बनी हुई है, तो वो आपकी परियोजना है पूर्वी धौली गंगा। तो पूर्वी धौली गंगा के मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए हैं। पूर्वी धौली गंगा पूछा हुआ था कहाँ पे है, उत्तराखंड पीसीएस में, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। चलिए वापस चलता हूँ नदी पर, अपने नदी वाले क्षेत्र में आ गए हम नदी वाले क्षेत्र में। तो पूर्वी धौली गंगा 90 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपकी खेला दवा घाट में जाकर के काली में मिल गई है। पूर्वी धौली गंगा की अगर जो मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदियों की बात कर लेता हूं। देखिए एक तो है आपकी सेला यांगटी है, अगर आप देख पा रहे हो सेला यांगटी है, और दूसरा आपका कंटूचिट इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आप मार्क कर लीजिएगा यहां पर, इसके नीचे आ रहा है, मैंने आपको दिखा दिया कंटूचिट, सेला यांगटी, नान दारमा, नान दारमा भी होती है और छोटी छोटी कई नदियां हैं, एक नान दारमा भी होती है। ठीक हो गई बात। कौन सी? नान दारमा। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर के नान दारमा। देखिए ये हो गई, आप देख सकते हैं, एक सेला यांगटी हो गई, एक कंटूचिट हो गई
और एक है नान दार्मा। क्या नाम है? नान दार्मा। ये किसकी सहायक नदी है? ये पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए वहां चलते हैं। पूर्वी धौली गंगा में संगम कराने के बाद अगली नदी जो है आगे काली गंगा अपनी यात्रा करते हुए पहुंच जाती है, काली नदी गोरी गंगा से मिलने। और गोरी गंगा से मिलन जो होता है वो जौलजीवी में होता है। जौलजीवी पिथौरागढ़ में है। तो हम बात कर लेते हैं, ये गोरी गंगा रालम और गोरी दो धाराओं के रूप में निकलती है, और दो धाराओं के रूप में निकलने के बाद ये जो है आप देख सकते हैं कि मिलम में इनका संगम होता है, और मिलम में संगम होने के बाद ये गोरी गंगा कहलाती है, और गोरी गंगा के रूप में ये जौलजीवी में जाकर के किस में मिल जाती है, जौलजीवी में जाकर के ये आपका जौलजीवी में जाकर के ये आपका मिल जाती है काली नदी में। ठीक हो गई बात? तो आप देख सकते हैं, चलिए काली नदी में हमने मिला दिया है, ये हमारा काम पूरा हो गया है, ये हमारी पूरी हो गई है। अब आप कहेंगे पूरी गोरी गंगा क्यों कहते हैं? देखिए एक्चुअल में क्या है, इसमें सफेद सिल्ट मिलती है, बहुत गोरी गंगा में सफेद रंग की रेत या सिल्ट मिलती है, तो नदी का पानी बहुत सफेद या चमकता हुआ दिखता है, इसी कारण से इसे गोरी गंगा कह देते हैं, और कोई कारण नहीं है गोरी गंगा कहने के। गोरी गंगा लगभग लिखा हुआ है 105 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जौलजीवी में जाकर के इसमें मिल जाती है, जौलजीवी में जाकर के ये आपका काली नदी में मिल जाती है। ये जौलजीवी वही जगह है जहां पर प्रसिद्ध व्यापारिक मेला लगता है। कब लगता है? लगभग 14 नवंबर के आसपास, नवंबर में लगता है, मार्गशीर्ष संक्रांति के दिन लगता है जौलजीवी मेला। इसका विशेष महत्व इसलिए है, आप देखिए ये भारत नेपाल और तिब्बत इन इलाकों की बाउंड्री पर पड़ता है, एक सीमांत क्षेत्र है, तो सीमांत क्षेत्र में मेला लगने का क्या तात्पर्य होता है? एक वाणिज्यिक मेला होता है, बाहर की वस्तु नेपाली वस्तु यहाँ, यहाँ की वस्तु वहाँ, और उनकी बिक्री होती है जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। पहले मेले ही मेल जोल का साधन हुआ करते थे, जिससे क्या होता था, वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन होता था। अब वर्तमान में मेले और मेल जोल का तो मौसम खत्म हो गया है, तो अब तो वैसे हाट बाजार होने लगे हैं प्रॉपर। पहले क्या होता था, सीजनल बाजार लगा करते थे। तो आप देख लीजिए गोरी गंगा के संगम पर मेला लग रहा है, जौलजीवी मेला है। आप मुझे बताइएगा जौलजीवी मेले की शुरुआत किसके सहयोग से हुई थी? आप गजेंद्र बहादुर मत बताइएगा मुझे, मुझे आप बताइएगा किसके सहयोग से जौलजीवी मेले की शुरुआत हुई थी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। जैसे ही मैं नेक्स्ट आता हूं तो मैं देखता हूं यहां पर मैं काली को अभी रोक रहा हूं, और मैं दूसरी जो काली की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी है सरयू, मेरे को वहां जाना पड़ेगा, और सरयू में जाने के लिए मेरे को चलना पड़ेगा बागेश्वर जिले में। यह आ गया मैं बागेश्वर जिले में। बागेश्वर जिले में एक नदी आ रही है जिसका नाम है डेबरा, आपको दिख गया होगा, डेबरा श्रेणी से नदी का नाम है गोमती। गोमती आ रही है आपकी डेबरा श्रेणी से, आप देख पा रहे होंगे, तो डेबरा श्रेणी से जो नदी आ रही है वो आप देखिए गोमती नदी आ रही है, ये आप देख रहे होंगे। और इधर सरमूल चोटी से जो नदी आ रही है उसका नाम है सरयू, इनका संगम कराइए। तो इन दोनों नदियों का संगम होता है बागेश्वर में, आप जानते ही हैं बागेश्वर का अपना महत्व है। सरयू वही क्षेत्र है जहां सरयू बगड़ में उत्तरायणी मेला लगता है, आप जानते हैं उत्तरायणी मेले का ऐतिहासिक महत्व है। यहीं पर 14 जनवरी 1921 को उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा से संबंधित कागजों को सरयू नदी में बहा दिया गया था, तो इसी के संगम पर सरयू बगड़ यानी सरयू के क्षेत्र में जो मेला लगता है उसका नाम है उत्तरायणी मेला। जानते हैं इस मेले का नेतृत्व किसने, के बद्रीदत्त पांडे ने किया था, जिसके लिए इन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली थी, आदि आदि। तो मेले का पहाड़ों में बड़ा महत्व है। तो हमने सबसे पहले बागेश्वर के क्षेत्र पर, बागेश्वर या व्यागेश्वर भी कह सकते हैं, शिव की भूमि है ये, व्यागेश्वर भी कह सकते हैं, यहाँ पर हमने गोमती का सरयू से संगम करा दिया है। सरयू आई है सरमूल से और गोमती आई है डेबरा श्रेणी से। संगम होने के बाद इसे सरयू के नाम से ही ये आगे चलती है, तो सरयू में आगे चलती है। तो सरयू की प्रमुख सहायक नदी पे बात करेंगे जिसका नाम है पनार। आइए पनार की बात करते हैं। पनार एक नदी है जो बॉर्डर बनाते हुए
सरयू नदी में मिलती है, जहां पे सरयू में मिलती है उस जगह का नाम है कांकरी घाट, और ये आपका पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के बॉर्डर पे मिलती है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के बॉर्डर पर जो मिलती है कांकरी घाट में, उसका नाम है पनार। पनार की एक सहायक नदी क्यूराइल, कोराइल, देखिए प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो सकता है, कोराइल, क्यूराइल आदि जो भी कहें आप, तो देख लीजिए मैंने बता दिया आपको। पनार की सहायक नदी है कोराइल, और पनार जाकर अपना जल इकट्ठा करके कांकरी घाट में किस में मिला देती है, सरयू में मिला देती है। सरयू अपनी यात्रा आगे शुरू करती है। तो सरयू में पिथौरागढ़ में जगह है जिसका नाम है रामेश्वर तीर्थ। रामेश्वर तीर्थ में सरयू में एक नदी मिलती है जिसका नाम है पूर्वी रामगंगा। आप देख रहे होंगे ये आ रही है ऊपर से, पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा, हम बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ के पॉन्टिंग और नामिक ग्लेशियर से जो निकल रही है उसी का नाम है पूर्वी रामगंगा, और ये आकर रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी रामगंगा किस में, सरयू में आकर मिल रही है। देखिए कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको समझना चाहिए। आपसे पूछे पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता होना चाहिए सरयू की। कहीं आप सीधा टेक दें कि काली है तो आपका क्वेश्चन तुरंत खराब हो जाएगा। तो परीक्षा की दिशा, आपसे पूछे कोराइल किसकी सहायक नदी है, अगर आपने लगा दिया सरयू तो वो गलत हो जाएगा। कराइल पनार की सहायक नदी है। पनार किसकी सहायक नदी है, तो पनार किसकी सहायक नदी, पनार सरयू की सहायक नदी है। तो इस दृष्टि से आपको याद करने हैं। गोमती किसकी सहायक नदी, गोमती सरयू की सहायक नदी है, और दोनों का संगम सरयू गोमती का बागेश्वर में हो रहा है। पनार और सरयू का संगम कांकरी घाट में हो रहा है, और सरयू का पूर्वी रामगंगा के साथ जो संगम हो रहा है वो रामेश्वर तीर्थ में हो रहा है। ठीक हो गई बात। पूर्वी रामगंगा की अगर जो मैं बात करूं तो भुजपत्रीगाड़, गरगतिया, बेरलगाड़, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक हो गई बात। और इधर सरयू की सहायक नदी लिखी हुई है, कनालगाड़, पुनारगाड़, जलूरगाड़, अलकनंदीगाड़, ये सारे के सारे गाड़ सरयू की सहायक नदी है। इससे पहले हमने गोरी गंगा को मिलाया था ज्वालाजीवी में, तो गोरी गंगा की सहायक नदी रमलगाड़, मंदाकिनीगाड़, गोंखागाड़, जिम्बागाड़, जिमियागाड़, पॉन्टिंगगाड़, ये सारी की सारी गोरी की सहायक नदी है, आप देख लीजिए। और सरयू की सहायक नदी कनालगाड़, पुनारगाड़, जलूरगाड़ और अलकनंदीगाड़। और इधर पूर्वी रामगंगा की भुजपत्री गाड़, गरगतिया गाड़ और बेरल गाड़ किसकी है, ये आपकी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है। दो तीन बार आप वीडियो को देखिएगा, उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको सारा का सारा नदियों का जो सेट है पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं नया टॉपिक उठाऊंगा उत्तराखंड का जो आपको बहुत लाभकारी होगा। ठीक है, तो आप देखिए जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते रहिएगा। पेपर आएगा तो मैं इतने क्वेश्चन डालूंगा कि आप कहेंगे कि समझ नहीं आ रहा कि पेपर शायद यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं महत्वपूर्ण सारे विषयों पर भारत से उत्तराखंड सरकार की एक एक रिपोर्ट, एक एक पहलू पर सब पे चर्चा करूंगा। लेकिन उसके लिए अगर आपको अच्छा मटेरियल चाहिए तो आप जरूरी है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ज्यादा लोग होंगे तो मुझे भी आनंद आएगा। ठीक होगी बात। चलिए मैं अपनी बात को आगे शुरू करता हूँ। रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी रामगंगा का सरयू में संगम हो गया है, उसके बाद सरयू अपने मार्ग पर सीमा बनाती हुई पिथौरागढ़ और चंपावत की, पहले पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा बनाई है, पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा बना रही है सरयू। और सरयू में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है लधिया। लधिया सरयू की उत्तराखंड में अंतिम सहायक नदी है। उत्तराखंड में शायद विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, लधिया की सहायक नदी रटिया होती है, तो लधिया जो है किसकी सहायक नदी, लधिया आपकी सरयू की सहायक नदी है और भारत में अंतिम सहायक नदी है सरयू की। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको देखना चाहिए। लधिया कहाँ से निकल, लधिया गजार से निकल रही है। गजार कहाँ है, देखिए किताबों में गजार की लोकेशन गलत दे रखी। गजार आपका, आप देख सकते हैं, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा की बाउंड्री पर है। आप देख रहे हैं गजार कहाँ है, गजार चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा की बाउंड्री पर है गजार। कहीं आपको गलत बता रखा, कहीं चमोली लिखा है बुकों में तो आप नहीं देखेंगे। मैं आपको बता दूं, गजार नाम का एक गांव है जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। तो इसका बड़ा हिस्सा कहाँ पे है, गजार का, गजार का बड़ा हिस्सा अल्मोड़ा में पड़ता है। इसी से निकलती है आपकी लधिया नदी, और लधिया नदी किसकी सहायक नदी है, लधिया नदी आपकी सरयू की सहायक नदी है। जहां पर लधिया नदी मिलती है चंपावत में, वो जगह है चूका, और चूका के पास ही जगह है देवीधुरा।
देवी धुरा में ही आपका देवी धुरा का मेला लगता है। चंपावत में आप जानते हैं देवी धुरा भगवान रक्षाबंधन के आसपास ये लगता है, तो इस बात में चर्चा करूंगा मेलों पर। जस्ट मैंने लिख दिया चूका के पास ये देवी धुरा। उसके बाद सरयू आपकी लधिया का और सभी पानी को समेटते हुए आगे चलती है और पंचेश्वर में जा करके सारा पानी काली में छोड़ देती है। पंचेश्वर आपका चंपावत में है। सरयू को देखिए लंबाई 145 किलोमीटर बहने के बाद ये अपना जल पंचेश्वर में काली में छोड़ देती है। इम्पॉर्टेंट है सरयू नदी एक ऐसी नदी है जो काली से ज़्यादा पानी लेकर आती है। और काली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? काली की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी सरयू नदी है। और मैं आपसे पूछूं सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो पूर्वी रामगंगा सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सरयू किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी? सरयू काली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप देख पा रहे होंगे मैं पॉइंटर से समझा रहा हूँ, आप मेरे साथ पॉइंटर पे चलते चलिए। तो देखिए पंचेश्वर में अपना पानी उड़ेल देती है। आप जानते हैं पंचेश्वर चंपावत में है। पंचेश्वर के क्षेत्र इसी क्षेत्र को काली कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। काली कुमाऊं के नाम से यही क्षेत्र जाना जाता है। आप जानते हैं काली कुमाऊं के शेर किसे कहते हैं? आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा काली कुमाऊं के शेर कौन है, यहाँ की क्या विशेषता है काली कुमाऊं की, ये किनका मूल स्थान है, ये भी पेपर में पूछा गया है, तो आपको देखना पड़ेगा। आप कमेंट करिएगा अगर आपको काली कुमाऊं के बारे में कुछ भी पता हो। काली कुमाऊं से हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं और आगे अब तो हमें काली को ही लेके जाना है। काली जो है पूर्णागिरि तीर्थ पहुंचती है। पूर्णागिरि तीर्थ आने के बाद पूर्णागिरि तीर्थ कहाँ पे है? पूर्णागिरि तीर्थ भी आपका कहाँ पे हो गया? ये भी आपका चंपावत में हो गया। ठीक बात है। पूर्णागिरि तीर्थ के बाद काली बहुत तेजी से मुड़ती है और मुड़ने के बाद टनकपुर पहुंचती है। टनकपुर में जब ये काली नदी पहुंच जाती है तो टनकपुर का क्षेत्र जो है यही मैदान में उतरना है। टनकपुर के पास ही काली मैदान में उतरती है। और याद रखिएगा यही लिखा हुआ है, काली का यहीं से नाम क्या हो गया? काली का यहीं से नाम शारदा हो जाता है। काली जब मैदान में उतरती है तो यहीं से शारदा हो जाता है। टनकपुर के पास आप लिखा भी हो टनकपुर बैराज। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया टनकपुर का बैराज का मतलब क्या था। बैराज का मतलब है पानी डाइवर्ट करने के लिए, सिंचाई आदि कार्यों के लिए पानी की शाखाओं में बांटना ही आपका बैराज होता है। तो यहाँ से बैराज के बाद नदी आगे जाती है और पहुंचती है बनबसा। आप कहेंगे कहाँ आ गई बनबसा? बनबसा भी कहाँ है? बनबसा एक चंपावत और नेपाल का बिल्कुल लास्ट का कोना कहलाता है। बनबसा में बनबसा बैराज बना हुआ है और यहाँ से दो नहर निकाली गई है। एक नहर है शारदा नहर। शारदा नहर आपके कहाँ जा रही है? शारदा नहर उद्धम सिंह नगर और उद्धम सिंह नगर के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, आप देख रहे होंगे। जबकि आपकी महाकाली नहर जो है आपकी कहाँ जाती है? महाकाली नहर आपकी नेपाल में चली जाती है। तो यहाँ पे महाकाली नदी का जो सफर है वो पूरा होता है। महाकाली नदी के बाद मैं शारदा नहर को और भी समझा देता हूँ आपको, शारदा नहर का क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया और हमने काली नदी को यहाँ पर ला करके छोड़ दिया है। उसके बाद कहाँ जाती है काली नदी वो देखते हैं। चलिए मैं पीछे आता हूँ फिर बात करता हूँ। देखिए ये स्लाइड में खाली लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर आप देखिए। देखिए काली नदी जो आपकी शारदा नहर थी वो आपका काला पानी से आई थी, ठीक बात है। और कहाँ तक गई? बनबसा तक गई। बनबसा तक कितने किलोमीटर बही? 252 किलोमीटर। कितने? 252 किलोमीटर हमने देख लिया। ये बनबसा के बाद नेपाल में गई, ठीक बात है। और नेपाल से ये वापस आती है उत्तर प्रदेश में, ठीक हो गई बात। और उत्तर प्रदेश में कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश में ये आती है बहराइच, एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहां आती है आपकी बहराइच में, ठीक हो गई। बहराइच में इसे कहते हैं शारदा। क्या कहते हैं? शारदा। बहराइच में शारदा कहते हैं। और शारदा में आकर के एक नदी मिलती है नेपाल से, उसका नाम होता है घाघरा। तो घाघरा और शारदा का संगम होता है। घाघरा को कर्णाली भी कहते हैं, आप जानते हैं घाघरा का दूसरा नाम क्या होता है? कर्णाली भी होता है। चलिए उसके बाद बहराइच के बाद कहाँ जाती है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप देखिए, बहराइच के बाद ये नदी जाती है आपकी कहाँ? ये जाती है अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो ये हम काली या शारदा नदी की बात कर रहे हैं, ये आपको याद होगा ये किसका पानी था। इसकी मुख्य नदी जो थी, अगर आप पीछे आए
तो मैं बात करता हूँ, इसकी मुख्य नदी जो थी वो थी आपकी, एक तो थी आपकी काली तो खुद है ही इटसेल्फ, और दूसरी नदी सरयू है इसकी प्रमुख। ठीक हो गई बात। अब मेरा नाम, अब देखिए हम अभी तक काली कह रहे थे, फिर शारदा कहने लगे हम उसे, फिर उसमें घाघरा मिल गई, तो अब क्या होगा? वहीं आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप मेरे साथ, क्या कहेंगे वो देखते हैं हम। देखिए आपने देखा कि ये आ गई अयोध्या, और अयोध्या में अब इसको सरयू कहने लगेंगे, दोबारा से अयोध्या में सरयू कहने लगेंगे। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, आप जानते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। और सरयू को भारत की, उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि राम जी के जन्मभूमि के किनारे अयोध्या में यही बह रही है, इसलिए सबसे पवित्र नदी भी कहते हैं। यही कारण है इसका, और कोई कारण नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अयोध्या के बाद ये जाती है बिहार में। ठीक हो गई बात। बिहार में ये छपरा में जानते हैं बिहार में गई, बिहार में जा करके ये आगे गंगा में मिल जाएगी। गंगा में मिलने के बाद इसको क्या कहेंगे? ये गंगा में विलीन होकर के आपका बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी, और यहाँ तक इसका पूरा सफर हो जाएगा। ठीक हो गई बात। चलिए, कोई अगर डाउट है तो मुझे बताइए, मैं आगे ले चलूंगा आपको। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर अगर कुछ छूटा है तो मुझे आप बता दीजिए। मैंने लगभग लगभग सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लिया है, मैं सबकी सहायक नदियों पर चर्चा कर चुका हूँ, सारे टॉपिक पे मैं सारा चर्चा कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से तो कुछ छूटा नहीं है। मैंने लगभग सारी जो नदी से संबंधित सारे तथ्य थे वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अगर कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा देख लूँगा आपके लिए उसे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।